जैसा कि देखिए कि झांसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस किले को इतना लाइटों से सजाया गया है, उसके लिए हमारे झांसी के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार झांसी में आए और झांसी वासियों को इतनी अच्छी तोहफा दे रहे हैं कि उसके लिए पर्यटक विभाग का मैं धन्यवाद करूँगा कि हमारे झांसी का किला ऐतिहासिक, जिसको झांसी की जनता देखती नहीं थी, आज हमारे यहाँ देखने को मिलता है। झांसी जनता रात को इस समय किले को देखने के लिए आती है कि हमारे किले को इतनी लाइटों से सजाया गया है, उस किले को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ आते हैं रात को और देखते हैं कि हमारे किले में कितनी भव्यता के साथ लाइट एंड साउंड कार्यक्रम होता है। और यह जानकारी हम आपको SRB बुलेटिन न्यूज झांसी की ओर से दे रहे हैं और लाइव दिखा रहे हैं आपको, हमारे झांसी की लाइट है। धन्यवाद। आज झांसी के ऐतिहासिक किले पे हम आए हुए हैं, जहाँ पे देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, उसके बाद लाइट एंड साउंड कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, उसके बाद झांसी का किला इतना ऐतिहासिक हो गया है। देखिए आप क्या कलर कर दिए गए हैं, झांसी की लाइटों से सजा दिया गया है हमारी झांसी को। उसी संबंध में हम झांसी के इतिहास के जो नागरिक आए हुए हैं, हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं कुछ जो इस किले का दीदार करने के लिए आए हुए हैं। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? भैया करेरा से। करेरा से। आपका नाम क्या है? साहिल खान। भैया आप आज किले पे आए हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस किले पे देखने के बाद? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जो लाइट वगैरह का आप देख रहे हैं प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, कैसा आप प्रतिक्रिया रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आप झांसी के इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे यहाँ क्या है? हम बाहर के हैं, करेरा के। अच्छा, अभी आपको कुछ मालूम है भैया? वो है करेरा झांसी की। झांसी के आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, उसके बाद इस किले को रंगीन लाइटों से सजाया गया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे सर? एक अभूतपूर्व कार्य है जो अभी तक ये कभी नहीं हुआ जी। किसी भी राजनेता या सरकार ने, प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये झांसी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा है और उसको झांसी वासियों को चाहिए कि इसको सजो के रखें जी।